नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा नीम के क्या क्या फ़ायदे हैं यहाँ दोस्तों पीलिया में बहुत फायदेमंद है बहुत सारी बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद है सब जानकारी दूंगा क्या कितनी मात्रा में लेना ले ले, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें रेड कलर का बटन से दबा के सब्सक्राइब करें बाजू में बैल उसे दबाया ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं नीम के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों जलने फोड़े फूंसी के लिए नीम बहुत ही फायदेमंद है जले हुए स्थान पर नीम का तेल या नीम की पत्ती का रस लगाने से आपको बहुत राहत मिलेगी कान और दाँत के रोगियों के लिए नीम बहुत ही फायदेमंद है कान में नीम का तेल डालने से कान का दर्द या बहरापन ठीक हो जाता है नीम का तेल तेज गर्म करें और जहाँ जला है जला लें गर्म करके जला लें नीम के पत्तों को इसमें जो है कान में डालें छान कर तेल को आपको डालना है कान में इससे कान का दर्द ठीक हो जाएगा और अगर आप दतुन करते हैं इससे तो आपके दांत के जो है जो भी दांत के अंदर में जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाएंगे बहुत ही फायदेमंद है हम सभी जानते हैं कि नीम कितना फ़ायदेमंद है दोस्तों पीलिया पीलिया में नीम का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है पिताशय से आँत में पहुँचने वाले पित्त में रुकावट आने से पीलिया होता है ऐसे में रोगी को नीम के पत्तों के रस में सोठ का चूर्ण मिलाकर देना चाहिए जी हाँ दोस्तों नीम के पत्ते के रस में सोठ का चूर्ण मिलाकर देना चाहिए या फिर सिर्फ दो भाग नीम की पत्ती का रस या छाल का खात और एक भाग शहद मिलाकर पिलाने से जो है पीलिया में बहुत राहत मिलती है पथरी पथरी की समस्या से बचने के लिए लगभग एक सौ पचास ग्राम नीम की पत्ती को एक लीटर पानी में पीसकर उबाल लें इस पानी को सामान्य होने पर पी लें नियमित रूप से ऐसा करने से पथरी निकल जाएगी यदि पथरी किडनी में है तो प्रतिदिन नीम के पत्तों की लगभग दो ग्राम राख पानी के साथ लें लाभ निश्चित होगा पेट संबंधित समस्याओं में नीम बहुत फायदेमंद है पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए नीम के पत्ते के रस में शहद और काली मिर्च मिलाकर लेने से जो है पेट के की कीड़े समाप्त हो जाते हैं कब्ज जैसी समस्याओं से भी आपको राहत मिलती है डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मदद नीम डायबिटीज़ के रामबाण दवा है व्यायाम की कमी तथा आहार में प्रोटीन की कमी से डायबिटीज़ होती है सुबह के वक्त नीम का सत्व या जूस लेने से डायबिटीज़ नियंत्रण में रहती है साथ ही नीम के तने की छाल तथा मेथी के चूर्ण का काढ़ा बनाकर कुछ दिन तक नियमित पीने से डायबिटीज़ से लाभ मिलता है इसके अलावा नीम के पत्तों का जूस और एलोवेरा जूस के साथ मिलाकर रोज़ाना खाली पेट लेने से शुगर कंट्रोल में रहता है दोस्तों इसके अलावा नीम एक रक्त शोधक औषधि है यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है 200 ग्राम तक नीम के पत्तों के प्रयोग से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम हो जाती है नीम का महीने में 10 दिन तक सेवन करने से हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी से आपको राहत मिल सकती है त्वचा तो अच्छा अगर आप खूबसूरत और बालों को चमक बनाना चाहते तो नीम बहुत ही फायदेमंद है नीम की पत्ती का रस पीने से खून साफ होता है जिससे चेहरे की कांति बढ़ती है नीम के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें इससे त्वचा रोग रहित होती है इसके अलावा स्नान करने समय नीम की ताज़ी पत्ती को पानी में डालकर इस पानी से स्नान करें सभी प्रकार के बीमारियां नष्ट होगी तो दोस्तों नीम देखा कितने फायदे मैंने अनेकों बीमारी का एक इलाज है नीम नीम जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है नीम एक चमत्कारी वृक्ष माना जाता है भारत में ऐसे कहा जाता है कि जिस धरती पर नीम के पेड़ होते हैं वहाँ मृत्यु और बीमारी कैसे हो सकती है स्वाद में कड़वा नीम अपने औषधि गुणों के कारण बहुत ही फायदेमंद है ये रोगी के निदान में तो प्रयोग होता ही है सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है अब आजकल आप टीवी में देखते होंगे तरह तरह के ऐड आते हैं और सब में नीम होता है नीम के पेड़ के विभिन्न हिस्से जैसे पत्ते छाल फल तेल आदि ये सब हमारे लिए फायदेमंद है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त